हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का न्यू लिस्ट जो नया लिस्ट आया हुआ है कैसे डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो में सारा डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, तो मैं इसे गूगल ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है PMAGYNIC.in। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर दिया हूँ। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन FTO ट्रांजैक्शन समरी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको होम बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे होम पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको थ्री लाइन दिख रहा होगा, थ्री लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आवास शॉर्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से नीचे आपको चले आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज SSC डाटा वेरिफिकेशन समरी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल स्टेट, यहाँ पे यानी आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टेट का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन खुला आता है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका ब्लॉक आपका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ से अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आपको कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो चलिए मैं कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे लिस्ट निकल चुका है, यानी यहाँ पे नीचे लिस्ट आ चुका है। यहाँ पे नाम भी दिया गया है, सारा का लिस्ट यहाँ पे निकल चुका है। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड करके पूरा आपको दिखाता हूँ। इसको डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन दिया गया है, एक्सेल और PDF। तो चलिए मैं PDF में डाउनलोड करता हूँ। तो इस पर आपको डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया, डाउनलोड हो गया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और बेनिफिशियरी नेम यानी फादर्स नेम सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, किस कैटेगरी का सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे अपना नाम इसमें आप खोज सकते हैं, यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करके अपना नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे मेरा नॉट फाउंड लिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हूँ, तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसलिए नॉट फाउंड लिख रहा है। अगर आपका रहेगा नाम तो आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने लिस्ट से आप अपने नाम इसमें खोज सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह से आप अपना लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम इसमें खोज सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे न्यू कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।